अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें डेफिनेशन यह है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसकी डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स से हमें पता चला है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं, डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं, बाकी तमाम एंट्रीज अदर्स जीरो होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो उसका साइज सेम होता है, एम बाय एम या एन बाय एन होता है। अब इससे पता चला कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें स्केलर में और डायगोनल में फर्क क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल्स वो सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 1 0 0 0। अब अगर मैं इसकी डायगोनल एंट्रीज देखूं, ये है जी इसका डायगोनल, इसकी मैं डायगोनल एंट्रीज देखूं तो तीनों की तीनों सेम है, इसका मतलब ए जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है, ए इज स्केलर मैट्रिक्स। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि ए जो है इसका डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल एंट्रीज वो 1 1 1 है, डायगोनल एंट्रीज सारी सेम है, इसलिए ए जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 0 0। अब इसमें अगर मैं डायगोनल एंट्रीज देखूं, डायगोनल एंट्रीज तो मौजूद है लेकिन सेम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बी जो है इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बी इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो हमें इन दो एग्जाम्पल्स से पता चला है कि अगर तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, अगर डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। जी, तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।